प्रदेश में दुर्ग जिले के सब्जी मंडियों में किसी प्रकार से कोरोना नियमों और मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर दुर्ग जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीएस ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मेरे संज्ञान में यह बात आई है, जल्द इस पर कार्रवाई होगी। वहीं जिला अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर सीएमएचओ ने कहा कि सभी चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया है। सीएमएचओ ने कहा कि सर, थोक सब्जी मंडी में कब तक उम्मीद करें कि कार्रवाई चालू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कोरोना की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसमें आपके संज्ञान में बात आई है, बिल्कुल कार्रवाई कब तक उम्मीद करें सर, कब तक हो जाएगा? 3 से 4 दिन में। उस पर क्या कार्रवाई होगी सर, जिस तरह पे और वहां पर कोरोना का पालन नहीं किया जा रहा है, उस पर निगम प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? कार्रवाई होती है, यहां पे भी कार्रवाई होती है, सभी के लिए समान नियम। आगे और स्वच्छता पर और क्या दुर्ग निगम करेगी सर? स्वच्छता पर अभी हमको आगे भविष्य में बहुत सारे काम करने हैं। इसमें अभी हम जिस प्रकार से डोर टू डोर कलेक्शन को हम स्ट्रांग बनाए हुए हैं, जिधर सूखा अलग अलग हम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम काफ़ी सफलता प्राप्त किए हैं। इसमें हम अभी फीडबैक पब्लिक की फीडबैक भी कराने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी कि हम जो रैंक हमने पाया हुए हैं, हम उस रैंक से हम आगे बढ़ सकें। कोशिश है, लेकिन हम कार्रवाई अपने स्तर पर हम कर भी रहे हैं, और मेन चीज़ है पब्लिक को जागरूक करना है।